डियर स्टूडेंट, इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एज प्रोमिस्ड, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एल्जेब्रा की डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की सीरीज़। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं आपको मॉक टेस्ट दूंगा और उनके अंदर जो भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे, फ्री में सेक्शनल मॉक टेस्ट दूंगा और उनके अंदर जो भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे कि हो सकता है स्टूडेंट एक डिफरेंट अप्रोच से फॉलो करेगा या फिर उसका कंसेप्ट आपको याद दिलाने की ज़रूरत है या फिर वो एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है या फिर वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब इन सारी कैटेगरीज में जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैं ज़रूर आपको वीडियो बनाकर एक बार रिवीजन मोड में आपको याद करवाऊंगा। ठीक है, तो ये एल्जेब्रा की डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सीरीज़ की पहली वीडियो है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं भाई इस वीडियो को। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपने SSC वीडियोस नाम की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड नहीं की है तो उसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये ऐप डाउनलोड करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको स्टडी मटेरियल, आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, आपको डाउट ग्रुप अगर कोई डाउट पूछना हो तो, या फिर मॉक टेस्ट सीरीज, ये सब एक ही जगह पर मिल जाएगा। लेटेस्ट अपडेट जॉब्स वगैरह की, और आपको अलग अलग जगह घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने इस ऐप को इंस्टॉल कर रखा है तो अपडेट करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक है उसको क्लिक करिएगा। तो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, इफ a by 3 is equal to b by 4 is equal to c by 7 then what is the value of this। और इसके अंदर मैंने ट्राई किया कि भाई हिंदी वाले स्टूडेंट्स को भी बराबर हेल्प मिले। देखिए हिंदी की स्टेटमेंट भी आपको साथ मिलेगी इन सीरीज में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये देखिएगा यार, हम सीधी सीधी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। जैसे ए की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 3। जब भी इस फॉर्म में आपको दे रखा हो ए बाई 3, बी बाई 4, सी बाई 7, तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 7 आप रख सकते हो, मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर ये चीज़ मैंने आपको बताई है। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करूँगा कि 3 प्लस 4 प्लस 7 बाई सी की वैल्यू है 7, तो आंसर हो जाएगा 14/72। तो अगर ये इतना सिंपल है तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की सीरीज है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ध्यान दीजिएगा, अगर इसी क्वेश्चन की जगह पर मैं ऐसे कर दूँ ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, तो वैल्यू तो आप फिर भी रख दोगे। और अगर आप इसके अंदर कोई वैल्यू रखोगे तो एग्जामिनर जो ऑप्शन है ना 2/7 उसको भी दे देगा आपको, लेकिन आप 2/7 को टिक नहीं कर सकते। इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ क्यों नहीं कर सकते, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यहाँ पर हमें मिला है जी रेशियो, हमें एक्चुअल वैल्यूज नहीं मिली, हमें रेशियो मिला है। ठीक है, और अगर रेशियो मिलता है तो आप 3x, 4x, 7x ऐसे अज्यूम करते हो ना। ठीक है, तो x की वैल्यू तो हमें पता नहीं, तो अगर ऊपर वाले क्या, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये है काम की बात, अगर ऊपर वाली चीज़ों की पावर और नीचे वाले डिनोमिनेटर की पावर, अगर पावर में फ़र्क हो, जैसे यहाँ पर इन सब की पावर क्या है 1 और डिनोमिनेटर की पावर क्या है 2, अगर पावर में फ़र्क हो तो आप आंसर नहीं निकाल सकते, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट द आंसर। तो देन आपका आंसर क्या होगा, कैन नॉट से, समझ गए ना, कैन नॉट से। अगर पावर में मैं थोड़ा सा भी फर्क कर दूं तो आप आंसर नहीं निकाल सकते भाई, और वैल्यू पुट मत करना। अगर मैं सारी पावर सेम रखूं तो आप निकाल सकते हो और वैल्यूज पुट करके आंसर बता देना। तो यहां पर मैं ये कंसेप्ट बताना चाह रहा था। तो आगे बढ़ते हैं, इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू व्हाट। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं इनमें भी सिंपल सी बात है भाई, क्या करोगे, वैल्यू पुट कर दो। अब कैसी वैल्यू पुट करेंगे, ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाए, डिफ़िकल्ट बनाने वाली तो पुट नहीं करेंगे। तो अगर कैलकुलेशन आसान बनानी है तो भाई x को 0 रख दो, y को 7 रख दो, दैट्स इट, एक चीज़ को 0 कर दो। तो x मैंने 0 कर दिया तो ये चीज़ भी 0 हो गई, यहाँ पर भी x है तो ये भी 0 हो गई, तो सिर्फ बचा क्या, y का क्यूब, y की वैल्यू है 7, तो 7 क्यूब क्या होता है 343।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसी वे से इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको बेस्ट वे बताऊं, तो दिस इज द बेस्ट वे। और यहाँ पर जरूरी नहीं आप 0 एंड 7 वैल्यू पुट करोगे, आपको कैसे पता चलेगा, कुछ भी वैल्यू रख दो ठीक है, जब इन दोनों का सम 7 हो आंसर हर एक में आएगा, लेकिन 0 रखोगे तो फर्स्ट आ जाएगा। तो वैल्यू रखना आपको सीखना पड़ेगा, जो कि मैंने बेसिक वीडियोस में बताना है बताया है। अगर आपको एल्जेब्रा के बेसिक वीडियोस बिल्कुल स्टार्टिंग से देखने हैं, उसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो भी आप सीख सकते हो, या फिर आप ऐप के थ्रू तो सीख सकते हो। इफ एक्स रेस्ट पावर 1/3 प्लस वाई रेस्ट पावर 1/3 इज इक्वल टू जेड रेस्ट पावर 1/3, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, तो सिंपली इसमें क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे। वैसे भी कर सकते हैं क्यूब वाली आइडेंटिटी से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाली से, लेकिन अब मैं क्या करूं, देखो यहां पर वैल्यू पुट करते हुए मान लीजिए जेड की वैल्यू मैंने रख दी 1, ठीक है, तो जेड की वैल्यू 1 रख दी, तो 1 की पावर 1/3, 1 का क्यूब रूट क्या होगा, 1, 1 का क्यूब रूट 1। वाई की वैल्यू मैंने रख दी जी 0, वाई की वैल्यू 0 रख दी, तो 0 की पावर कुछ भी कर लो भाई, 0 ही आना है। देन तो समथिंग प्लस समथिंग इज इक्वल टू 1, समथिंग प्लस 0, तो ये भी 1 ही होगा भाई, 1 में 0 जोड़ोगे तभी तो 1 आएगा ना, तो z की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई, हमें तो वैल्यूज मिल गई, तो भाई जल्दी से पुट कर दो यहाँ पर। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0, 0 रेस्ट पावर 3 इज 0, प्लस यहाँ पर y 0 है, तो किसी भी चीज के मल्टीप्लीकेशन में 0 आ जाए, 0, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, देयर फॉर आंसर इज 0, बड़ी सारी 0 होगी ठीक है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं भाई। फिर इफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस 1/a एंड वाई इज इक्वल टू ए माइनस 1/a, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू व्हाट, तो फिर से क्या करोगे, फिर से अगेन विदाउट टेकिंग एनी टेंशन आप क्या करोगे, वैल्यूज पुट कर दो। कैसे, देखो अपनी मर्जी की वैल्यू पुट करो, लेकिन बस आपने कंडीशन को सेटिस्फाई रखना है, जो एग्जामिनर बोल रहा है उस चीज को सच रखना है, और ऐसी वैल्यू कभी भी नहीं रखनी कि किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 0 आ जाए ठीक है, क्योंकि ये चीज फिर नॉट डिफाइंड हो जाती है, इसकी डेफिनेशन नहीं रहती है कुछ भी ठीक है। तो ए की वैल्यू मैंने रख दी भाई 0 ठीक है, तो 0 प्लस 1/0, ए की वैल्यू 0 रखने से क्या आ रहा है, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, इसका एग्जाम्पल मिल गया ना आपको अच्छा खासा, ए की वैल्यू 0 रखोगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो आपको ऐसी वैल्यूज नहीं रखनी है जब डिनोमिनेटर में 0 आए। तो अब इसको सुधार लो अगर ये गलती होगी, तो ए की वैल्यू मैं रख रहा हूँ जी 1, तो 1 प्लस 1/1, 1 प्लस 1/1, तो 1 प्लस 1 2, तो एक्स की वैल्यू आ गई जी 2, और वाई की वैल्यू आ गई 1 माइनस 1/1, 1 माइनस 1 इज 0, तो सिंपली ये पुट कर दो, वाई 0 हो गया भाई, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, और एक्स की वैल्यू है 2, 2 रेस्ट टू पावर 4 होता है 16, देयर फॉर द आंसर इज ऑप्शन सी 16 ठीक है। बढ़ूं अब आगे, इफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू व्हाट, तो वैल्यू रखने में तो आप एक्सपर्ट हो कि नहीं, वैल्यू रख देते हैं, क्या वैल्यू रखे भाई, देखो फिर सी को मैं रख रहा हूं 0, तो सी को मैंने रख दिया 0, तो क्या बन गए, 0 माइनस 1/0, तो 0/1, तो वो तो 0 ही होता है, तो ये सब हो गया भाई 0। बी को भी रख दूं 0, अब देखो यहां पर मैं वैल्यू सीधी सीधी क्यों नहीं रख रहा, एक एक करके क्यों रख रहा हूं, मैं इसलिए रख रहा हूं कि मेरे को ए बी और सी की ऐसी वैल्यूज नहीं पता कि इस एक्सप्रेशन के अंदर रख के वो 1 आए। एक कंडीशन है ना हमारे ऊपर कि इन सब का सम 1 होना चाहिए, तो यार मेरे को तो देखो वैल्यू पता है, एक एक करके रख लेंगे पता लग जाएगा। देखो बी की वैल्यू भी मैंने 0 रख दी, तो भाई ये भी आ गया 0, तो ले लो भाई बी की भी 0 रख दी। अब ये दोनों खत्म हो गए, अब मेरे को ये पता है ए ओवर 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1, ये बच गया, ये दोनों खत्म हो गए। अब ए की वैल्यू आप रखोगे नहीं, निकाल लो ना कि आपने जो वैल्यूज रखी हैं उनके लिए ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो इसको भेज दो जी ऊपर, इट इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 1 माइनस ए, एंड इट इम्प्लाइज दैट इसको ले आओ इधर, 2 ए इज इक्वल टू 1 एंड ए इज इक्वल टू हाफ, तो
ए की वैल्यू भी आपको मिल गई। तो भाई अब तो हम डेफिनेटली आंसर निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे, देखो अब हम इन्हीं वैल्यूज को यहां पर पुट करेंगे। तो देखो सी की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, तो भाई ये तो हो गया 0 0। तो 1 बाय 1 यहां से मिला जी 1, यहां से मिला जी 1, और यहां पर मैं रख रहा हूं हाफ, तो 1 माइनस हाफ हाफ, और 1 बाई हाफ, हाफ उल्टा हो जाएगा तो 2, तो 2 प्लस 1 प्लस 1 आंसर इज 4, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, एक तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो या फिर आप कैसे कर सकते हो, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ और ये यूजफुल है इसीलिए बता रहा हूँ, तो ये भी ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी आप वैल्यूज पुट नहीं कर पाते हो, तो ये चीज काम में आएगी। इस क्वेश्चन में तो कर पा रहे हो पुट, कि ये डिनोमिनेटर सेम है ना दोनों से, डिनोमिनेटर सेम है, और नीचे वाले और ऊपर वाले का अगर मैं सम करूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो 1 बन जा रहा है। ठीक है, इस ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो 1 प्लस 3 बाई 5 क्या होता है, 8 बाई 5, 1 प्लस 3 बाई 5 इज 8 बाई 5। तो इसीलिए मैं ये बता रहा हूं आपको, बिकॉज ये देखना पॉसिबल है, मेरे को दिख जाता है इसीलिए मैं बता रहा हूं, अदरवाइज बताना नहीं था। देखो कि ए ओवर 1 माइनस ए प्लस 1, अगर इसमें मैं 1 जोड़ दूं, तो हमें पता है कि भाई 1 जोड़ दो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐड हो जाता है ऊपर जाके, और ए से ए कट जाएगा तो ये बन जाएगा 1 बाई 1 माइनस ए, जो कि गिवन है यहां पर। तो अगर मैं यहां पर एक जोड़ दूं, यहां पर एक जोड़ दूं, यहां पर एक जोड़ दूं, तो यहां पर भी 3 1 जोड़ने पड़ेंगे, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये बन जाएगी ऐसी, और इसकी वैल्यू आ जाएगी जी 1 1 1 1 4, दैट इज ऑप्शन 4। तो यहां पर आपको वैल्यू पुट करने का रास्ता मिल गया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ये भी यूजफुल होता है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं भैया। इफ पी रेशियो क्यू इज इक्वल टू आर रेशियो एस इज इक्वल टू टी रेशियो यू इज इक्वल टू 2:3, देन एम पी। तो ये मैंने क्यों बताया है आपको, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैं बता चुका हूं। देखो ध्यान से, यहां पर हुआ क्या, पी क्यू आर एस टी यू, इन सब का रेशियो में पता है। ठीक है, और एग्जामिनर ने आपसे पूछा है, बस ध्यान दीजिएगा एक बार, कि पी क्यू आर एस टी यू, एग्जामिनर ने एक्स्ट्रा किन चीजों से मल्टीप्लाई किया है, मैं ये बताना चाह रहा हूं। एम पी एम क्यू, ठीक है, प्लस आगे देखिएगा, मजा आएगा, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, एन आर ओवर एन एस, एंड देन वी हैव ओ टी ओवर ओ यू। तो यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन देता है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, तो पी और क्यू की जो जोड़ी है, पी एंड क्यू का जो पेयर है, उनको सेम चीज से मल्टीप्लाई करेगा, आर और एस के पेयर को भी सेम चीज से मल्टीप्लाई करेगा, उसको करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, टी और यू के पेयर को भी सेम चीज से मल्टीप्लाई करेगा। तो जब उसने सेम चीज से मल्टीप्लाई किया है ऊपर नीचे, कंसेप्ट को मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो आंसर भी सेम ही रहेगा, इन चीजों का रेशियो भी 2:3 हो जाएगा। ठीक है, बेशक से वो साइन चेंज कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सेम होने चाहिए भाई, माइनस है एंड माइनस है, तो आंसर सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसने डिफरेंस क्रिएट किया, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, साइन का भी डिफरेंस क्रिएट किया, बड़ा या छोटा कोई भी डिफरेंस क्रिएट किया, तो भाई आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कैन नॉट से, वैल्यूज मत पुट कर देना। थोड़ी देर पहले भी एक रेशियो का कंसेप्ट बताया है ना, ये भी उस हिसाब से, हमें एक्स पता नहीं है और वो कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट आंसर आ सकते हैं, तो हम बोलेंगे कैन नॉट से। अब इसकी मैं एक और फॉर्म आपको बता रहा हूं, एग्जामिनर क्या कर सकता है ये बात ध्यान से सुनिएगा। सपोज यहां पर प्लस है, एग्जामिनर इन सब की पावर को भी डबल कर सकता है भाई, स्क्वेयर कर सकता है, तो आपका आंसर 2:3 का स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि उसने बाकी सभी को सेम चीजों से मल्टीप्लाई किया है। अगर स्क्वेयर करके डिफरेंट से मल्टीप्लाई कर देगा, तो भी आप आंसर नहीं बता सकते। ठीक है, आई होप मैं क्लियर हूं इस बात में।
अगर इन सब की पावर तीन कर देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हो जाएगा 2/3 की पावर 3। ठीक है, तो बस ये कंसेप्ट भाई दिमाग में बैठा लो, अगर ये यूज होगा, काफी बड़े बड़े भयंकर दिखने वाले क्वेश्चंस में भी ये यूज होता है, एंड डेफिनेटली विद इन 2-3 सेकेंड्स आप अगर उसको देख पाते हो तो आप आंसर कर पाओगे, टाइम बच जाएगा एग्जाम में। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। इफ वन इज लेस देन एक्स इज लेस देन टू, तो इसका कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब है कि भाई जो एक्स है, मान लीजिए नंबर लाइन है 0, 1 एंड 2, तो एक्स इन दोनों के बीच में लाई करता है कहीं ना कहीं पर। ठीक है, एक्स इन दोनों के बीच में लाई करता है, और इन सारे क्वेश्चंस को मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि मेरे बताने से पहले सोल्व किया करो, तो आप पॉज करके सोल्व कर रहे होंगे, ठीक है, तभी ज़्यादा फायदा होगा। और अगर आपने इसको ऐसे सोल्व किया है कि भाई स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो x-1 + x-3, तो आंसर विल बी 2x-4 एंड दैट इज ऑप्शन डी। तो ये बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है मैं ये आपको बता देता हूँ, देखिएगा। जब भी एसएससी के एग्जाम्स के अंदर, एसएससी के एग्जाम के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अदरवाइज ये चीज जो है ये कंट्रोवर्शियल है कि ये +5 होगा कि -5, मैथमेटिकली मैं बोल ही नहीं रहा। जब भी एसएससी एग्जाम्स के अंदर आपको एक चॉइस करनी हो कि √25 की वैल्यू मैं 5 लूँ या -5 लूँ, इन दोनों में से एक चॉइस करनी हो, तो आप हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लोगे। मेरी बात ध्यान रखो, आज तक ऐसा ही होता आया है, हमेशा पॉजिटिव को प्रेफर करोगे। तो यहाँ पर ये मतलब यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम क्यों आ रही है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मेरे को ये बताओ, एक्स जो है वो 1 से बड़ा है ना, 1 और 2 के बीच में है, एक्स 1 से बड़ा है, तो एक्स 1 से बड़ा है तो एक्स माइनस समथिंग आप हमेशा पॉजिटिव बाहर निकालोगे। मेरी बात ध्यान रखो, आपने स्क्वायर करके स्क्वायर रूट किया है तो नेगेटिव बाहर नहीं निकालोगे स्क्वायर रूट के अंदर से एसएससी एग्जाम में। तो x-1 एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, x-1 पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि x 1 से बड़ा है, तो यहां से जो चीज आएगी वो आएगी x-1। लेकिन x 2 से छोटा है, एग्जामिनर ने बताया है 2 से छोटा है, तो डेफिनेटली 3 से भी छोटा होगा। तो अगर x 3 से छोटा है तो x-3 तो नेगेटिव हो गया ना भाई, नेगेटिव हो गया, तो इसकी जगह आपको 3-x लेना पड़ेगा बाहर। समझ रहे हो मेरी बात? x-3 का स्क्वायर किया तो वो एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव चीज बनेगी। बेशक से आपने -5 का स्क्वायर किया वो बनेगा पॉजिटिव, और अगर उसका रूट निकाल रहे हो तो एसएससी के अंदर तो भाई 5 निकालना पड़ेगा, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर क्वेश्चन को ठीक से सोल्व करना है तो ये बनेगा 3-x इसका पॉजिटिव। ठीक है, 3-x का स्क्वायर और x-3 का स्क्वायर एक ही बात है, लेकिन 3-x पॉजिटिव है तो यहां से निकलेगा जी 3-x बाहर, एंड x और -x हो जाएंगे कैंसल, और 3-1 विल बी इक्वल टू 2, देयर फॉर आंसर विल बी ऑप्शन 2 एंड वैल्यू 2। ठीक है, तो बढ़ू फिर आगे। इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू ऑल दिस एक्सप्रेशन, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू व्हाट? देखिए भाई, आपको ये चीज तो याद होगी ना, दैट इज ये क्या है, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, और ये है जी थाउजेंड्स प्लेस। ये चीज यहां पर याद दिलाना चाहूंगा, हम बचपन में इसको ऐसे लिखते थे, 3 × 1000 + 2 × 100 + 1 × 10 + 4 × 1, क्योंकि ये वंस प्लेस है, टेंस प्लेस है, हंड्रेड्स प्लेस है, ये थाउजेंड्स प्लेस है। तो एग्जैक्टली वही अंडरस्टैंडिंग हम यहां पर यूज करने वाले हैं। कैसे? देखिए, यहां पर 4 है, यहां पर भी 4 है, तो मेरे को ये बताओ 4 × समथिंग इसने बोल दिया। अगर चलो इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं भाई, 3 × 1 = 3a + 2b + 1c + 4d, तो यहां पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी? अभी अभी तो मैंने लिख के दिखाया ना, 3 के मल्टीप्लीकेशन में भाई 1000 ही होगा, और b का वैल्यू हो जाएगा जी ये 2 × 100 +
बस उसी चीज को यूज कर रहा है एग्जामिनर, सी की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू 1, प्लेस वैल्यूज को यूज कर रहा है, नथिंग फैंसी है। ये जो चीज है ये थर्ड फोर्थ क्लास में सिखाते हैं, तो बस हमने उसी को यूज करना है। तो देखिए कि ए यहां पर फोर जो है वो टेंस प्लेस पर है ना जी, टेंस प्लेस पर है, तो 4 × 10, तो 4 × 10 तो ए की वैल्यू 10 आ गई, तो सीधी पुट करो ना यहाँ पर, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 5 × 10 50, यही बोल रहा है एग्जामिनर, और कुछ नहीं बोल रहा। 7 के मल्टीप्लीकेशन में बी दे दिया, जो 7 जो है वो यूनिट्स प्लेस पर हो गया, वंस प्लेस पर, तो भाई 7 × 1 होगा, तो 7 × b, तो भाई b की वैल्यू तो आ गई 1, देखते ही पता लग रहा है हमें, तो ये वैल्यू आ गई भाई जी 3, 3 × 1। अब आगे देखिएगा 2c, अब मेरे को ये बताओ ये जो 2 है ये कौन से प्लेस पर है, ये वंस प्लेस पर मत बोलना, डेसिमल से दूसरे साइड है, तो 1/10 हो गया ना, समझ रहे हो, 0.3 क्या होता है, 3/10 मतलब दसवां हिस्सा, ठीक है। तो यहां पर 2 के मल्टीप्लीकेशन में जो भी होगा ना, जो भी होगा उसकी वैल्यू होगी जी 1/10, तो सी की वैल्यू हो गई 1/10। अगर कोई चीज समझ में ना आए वीडियो में, तो वीडियो का यही फायदा होता है कि आप उसे पॉज कर सकते हो, तो थोड़ा सा भी डाउट हो तो पॉज करके अपने दिमाग पर जोर दो, समझ में आ जाएगा, दूसरे के दिमाग पर जोर तो दे भी नहीं सकते, तो समझ में आ जाएगा, ठीक। तो सी की वैल्यू आ गई 1/10, तो जी 6/10, 6 × 1/10, तो बोले तो 0.6, 0.6। आगे बढ़ते हैं भाई डी, अब देखिए ये क्या हो गया 5/100, ये 500th प्लेस पर है ना 1/100, तो 5/100 इज इक्वल टू 5/d, तो ये मत बोलना कि डी की वैल्यू है 1/100, नहीं डी की वैल्यू है जी 100, उसने नीचे कर दिया ना डी को, क्या करें नीचे कर दिया, तो डी की वैल्यू है जी 100, तो +100, एक बात तो क्लियर है 53 एंड 100, तो 153 वाला ऑप्शन होगा, और क्यों देखना हमने। अगर फिर भी डाउट है भाई, ये 213 वाला ना हो जाए, डर तो लगता ही है भाई, करियर का सवाल है, रिस्क क्यों नहीं। तो देखो आगे 6e, तो भाई 6 के मल्टीप्लीकेशन में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट आता है, ठीक है, या फिर आप क्या बोल सकते हो 1/10,000, तो भाई 3b 4 के बाद आएगा, तो 1 2 3, ये यहां पर 3 आएगा, तो डेफिनेटली 213 तो होगा नहीं, ये छोटा है, ये 3e छोटा है, तो सिर्फ सी ही आंसर हो सकता है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है, मैं वेरियस जो कंसेप्ट क्यों आपको करवा रहा हूँ कि जस्ट रिवीजन के पर्पज से वीडियो है, स्ट्रक्चर में सीखना है तो ऐप से सीख लो, मैंने आपको बताया ही है। तो अब देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 3 + 2√2, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू, तो इस क्वेश्चन को उठाने का पर्पज है कि आपको किसी भी सर्ड की स्क्वायर रूट निकालनी आनी चाहिए, स्क्वायर रूट निकालनी, क्योंकि यहां पर बोला गया है रूट एक्स, और एक्स जो है वो एक सर्ड है, तो कैसे निकालोगे जल्दी से बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी भी सर्ड की स्क्वायर रूट निकालोगे तो सबसे पहली कंडीशन है रूट वाले टर्म के साथ में 2 का होना, यहां पर 2 होना चाहिए, अगर 2 नहीं है तो किसी भी तरीके से यहां पर 2 लेकर आना पड़ेगा, ठीक है, ये सर्ड्स एंड इंडिसेस में मैं करवा चुका हूं कि कैसे लाओगे। अब आगे ये जो रूट वाला टर्म है इसको आप 2 हिस्सों में स्प्लिट करोगे, इसको ऐसे 2 हिस्सों में स्प्लिट करोगे जिनका सम 3 है और जिनका प्रोडक्ट 2 है, तो 2 और 1, 2 और 1 का प्रोडक्ट है 1 और सम है जी 3, तो रूट एक्स क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा, इन दोनों को रूट के अंदर बंद करके जोड़ दो क्योंकि यहां पर प्लस है, ठीक है, तो √2 + √1, दोनों को रूट के अंदर बंद करोगे, लेकिन √1 और 1 बराबर ही है इसलिए मैंने बंद नहीं किया। अब देखिएगा आगे, तो ये हो गया जी √2 + 1 - 1/√2 + 1, अब आपको करना पड़ेगा रैशनलाइज, जो कि मैं फिर से सर्ड्स एंड इंडिसेस के अंदर करवा चुका हूं डिटेल में, √2 + 1 - √2 + 1, ऐसा ही आएगा, ये ऊपर जाके साइन चेंज होगा, तो यहां पर तो साइन चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई, बिकॉज बीच में माइनस है, तो ये थोड़ा सा मैंने कैलकुलेशन कर लिया, एंड होपफुली आप भी ये कैलकुलेशन कर लोगे इजीली। तो
तो भाई रूट टू से रूट टू कैंसिल, 1 + 1 2, आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, पढ़ता हूँ फिर आगे। इफ x इज इक्वल टू रूट 3/2 देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू व्हाट। तो यार ये एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस मतलब कि आपको एक फिक्स्ड एक चीज पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए कि कई बार, मैं ये अपनी ऑब्जर्वेशन आपको बता देता हूँ, SSC वाले x की वैल्यू रूट 3/2 देकर 1 + x और 1 - x का यूज करवाते हैं। इन क्वेश्चंस में एक तो ये तरीका है, जब वो ऐसी वैल्यू दे, इसको ना तो रेशनलाइज करने से काम बन रहा है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, बोले तो LCM लेने से भी नहीं चल रहा काम। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 1 + x की वैल्यू निकालो और जी 1 - x की वैल्यू निकालो अंडर रूट 1 - x की, जो कि हम इजीली निकाल सकते हैं, मेंटली भी निकाल सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की तो, और वो वैल्यूज यहाँ पर रख दो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो देखो कैसे, तो 1 + x हो जाएगा 1 + √3/2 का अंडर रूट। अब इस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 2 + √3/2। तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि भाई रूट थ्री के साथ में अगर आपको निकालना है जी रूट, अगर रूट निकालना है तो इसके साथ में एक 2 का होना जरूरी है। तो 2 को कैसे लाओगे, अब मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैं डिटेल में समझा चुका हूँ सर्च एंड इंडिसेस में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि भाई बस कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो देखो, ऊपर नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4 + √3/4। ले आए ना हम 2, ले आए। अब कर दे स्क्वायर रूट उसी तरीके से, 3 को ऐसे दो चीजों में स्प्लिट करो जिनका प्रोडक्ट हो 3, 3 × 1 = 3, और जिनका सम हो 4, दैट इज 4। तो भाई अब इसका रूट क्या आ जाएगा, अब इसका रूट आ जाएगा √3 + 1, और नीचे 4 मत लिखना, 4 का भी रूट होगा, 4 का रूट क्या होता है 2। तो ये है जी √1 + x। तो √1 - x क्या होगा, सोल्व करके देख लो, √3 - 1/2 होगा, इसी जैसा तो है वैल्यू। तो अब क्या करें, अब इन दोनों वैल्यूज को जो हमने निकाली है, ये जो दो वैल्यूज हैं, तो कुछ क्वेश्चन देखो यार एग्जाम में सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो 30 सेकंड्स में होंगे, डेफिनेटली नहीं होंगे। अगर सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे तो आप 50 मिनट में करके बैठ जाओगे 100 क्वेश्चंस को। तो डेफिनेटली कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो 5 सेकंड लेंगे, लिटरली 5 सेकंड लेंगे, आई एम श्योर अबाउट दैट ये क्वेश्चन आएंगे। कई क्वेश्चन 10 सेकंड लेंगे, 30 सेकंड वाले भी होंगे, 2 मिनट वाले भी होंगे, समझ गए ना। तो एग्जामिनर हर एक क्वेश्चन को बैलेंस करके नहीं देता, पूरा पेपर मिलाकर बैलेंस्ड होता है कि पूरा पेपर 1.5 घंटे में हो जाएगा या 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द लेंदी क्वेश्चंस। तो आगे करते हैं, बाकी इतना लेंदी है नहीं अगर ये आपने पहले किया है तो। देखो, तो 1 + x इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर रख रहा हूँ भाई √3 + 1/2, और नीचे मैं रख रहा हूँ 1 + √3 + 1/2। क्या गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है। और आगे क्या होगा, आगे होगा भाई √3 - 1/2, चलो लिख ही देता हूँ √3 - 1/2 / 1 - √3 - 1/2। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा सॉल्यूशन इसका। तो LCM लेता हूँ मैं नीचे, दिमाग को रखिएगा अलर्ट। तो 2 + √3 + 1/2, 2 - √3 - 1/2 नहीं होगा, साइन चेंज होगा ना, ये माइनस है, साइन चेंज होगा भाई, माइनस है, तो +1/2। अब नीचे टू कैंसिल आउट हो गए। आगे बढ़ते हैं, जुकाम बड़ा हो गया यार आज सर्दी के मौसम में। तो देखो, ऊपर है √3 + 1 और नीचे है 2 + 1 = 3, 3 + √3, आगे है √3 - 1 और नीचे है 3 - √3। तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप डिनोमिनेटर में से √3 कॉमन निकाल लोगे। अगर मैंने यहां से √3 कॉमन निकाला तो अंदर बच जाएगा जी √3 + 1। अगर मैंने यहां से √3 कॉमन निकाला तो अंदर बच जाएगा √3 - 1।
तो रूट थ्री प्लस वन, रूट थ्री माइनस वन, रूट थ्री माइनस वन, रूट थ्री माइनस वन कैंसल्ड, तो वन बाय रूट थ्री प्लस वन बाय रूट थ्री आंसर विल बी टू बाय रूट थ्री, सो दैट इज ऑप्शन पी। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे से इस चीज को याद रखोगे कि x की वैल्यू रूट थ्री बाई टू देकर एग्जामिनर अंडर रूट वन प्लस एक्स और अंडर रूट वन माइनस एक्स का यूज करेगा, तो वहां पर ये भी एक ऑप्शन है। दिमाग को मंद नहीं करना कि यही एक ऑप्शन है, ये भी एक ऑप्शन है, पॉसिबिलिटी याद होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो ये चीज दे दी, तो यहां पर आपने क्या देखना है। देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि a प्लस बी ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू समथिंग, अगर उसने कुछ भी दिया है तो ऐसे केसेस में कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज होने के बड़े चांसेस होते हैं। और कंपोनेंटो डिविडेंडो सीखने के लिए अगर आपने नहीं सीखा है तो ऐप के अंदर एलजेब्रा की वीडियोस है, वहां से सीख लेना। तो कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है, थोड़ा सा रिविजन में जरूर करा देता हूँ कि अगर आपको पता है ए बाई बी तो आप निकाल सकते हो ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ रेशियो की, रेशियो है ना, ए बाई बी इज ए रेशियो, तो आप निकाल सकते हो इसका रेशियो, और अगर ये पता है तो इसका रेशियो। कैसे निकाल सकते हो, अभी निकाल के दिखाता हूं। देखो, अगर ए बाई बी है टू बाई थ्री, तो भाई इसकी वैल्यू बताऊं ए प्लस बी ए माइनस बी की, बस दिमाग को अलर्ट रखो यार। अगर ए बाई बी पता है टू बाई थ्री तो इसकी वैल्यू आएगी टू प्लस थ्री ओवर टू माइनस थ्री। ठीक है, एक और चीज बताता हूं, और अगर कुछ भी ले लो, अगर इसकी वैल्यू है फोर बाई सेवन तो उसकी वैल्यू होगी फोर प्लस सेवन और फोर माइनस सेवन। मतलब इसकी वैल्यू पता है तो भी वही काम करना है दूसरे की वैल्यू निकालने के लिए, और इसकी वैल्यू पता है तो भी वही काम करना है दूसरे की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो अब हम क्या करें, हमें ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी की वैल्यू तो पता है, ए मैंने लिया है रूट थ्री प्लस एक्स को, ए बाई बी निकाल लें, अभी निकाल लेते हैं। देखो, इसकी वैल्यू है टू बाई वन, टू बाई वन है ना ए प्लस बी ए माइनस बी की वैल्यू, तो मैं निकाल रहा हूं ए बाई बी, तो ए इज रूट थ्री प्लस एक्स डिवाइडेड बाय बी इज अंडर रूट थ्री माइनस एक्स इज इक्वल टू टू प्लस वन ओवर टू माइनस वन, दैट इज थ्री बाई वन। अब यहां पर स्क्वायर रूट है यहां पर, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दू, अभी कर देते हैं भाई, इट इंप्लाइज दैट दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं भाई, थ्री प्लस एक्स ओवर थ्री माइनस एक्स इज इक्वल टू नाइन बाई वन। तो अब आपके सामने दो ऑप्शन हैं, या तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर से कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो। कंपोनेंटो डिविडेंडो कैसे लगेगा, देखो ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी, तो मैं जल्दी से लगा रहा हूँ, ए बाई बी आ गया नाइन प्लस वन टेन, नाइन माइनस वन दैट विल बी एट, तो दैट इज थ्री बाई एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स को मैं भेज रहा हूँ उधर, एक्स इज इक्वल टू चौबीस बाई दस दैट इज ट्वेल्व बाई फाइव, तो देयर फॉर आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, तो मतलब कहने की क्या बात है, आप पहले भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे और उस वे से सोल्व कर सकते थे, तो यहां पर मैंने दो बार कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ू फिर, इफ एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू देन द वैल्यू ऑफ, तो फिर से वही काम किया एग्जामिनर ने, एक्स की वैल्यू रूट थ्री बाई टू है और वन अंडर रूट वन प्लस एक्स और अंडर रूट वन माइनस एक्स को इन्वॉल्व किया है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया है वो। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, ये कंपोनेंटो डिविडेंडो की फॉर्म में भी तो है, तो यहां पर आप क्या करोगे, पहला ऑप्शन है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अंडर रूट वन प्लस एक्स और अंडर रूट वन माइनस एक्स की वैल्यू निकालिएगा। ठीक है, और उसके बाद यहां पर पुट कर दीजिएगा, इजीली आंसर आ जाएगा। या फिर मैं यहां पर यह चाहता हूं कि मेरे को कंपोनेंटो डिविडेंडो आता है तो मैं उसको भी थोड़ा सा यूज करके काम को इजी बना लूं। क्यों, देखो मुझे ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालना है, तो क्यों ना मैं ए बाई बी निकाल लूं, क्योंकि अगर ए बाई बी निकल गया तो मेरे को ये पता है ए बाई बी निकालने के बाद ये निकालना बड़ा इजी होता है, तो चलो भाई ए बाई बी निकाल लेते, मैं क्यों ये बड़ी वाली चीज निकालू, छोटी वाली निकालू फिर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दूंगा, तो बस काम सिंपल हो गया। तो आपने इन दोनों के वैल्यूज याद हैं, ये थे भाई रूट थ्री प्लस वन बाई टू, मेरे को अभी याद है क्योंकि थोड़ी देर पहले किया ना यही क्वेश्चन,
रूट थ्री माइनस वन बाई टू, ठीक है। ये मैं रिवाइज करा देता हूँ, x की वैल्यू है रूट थ्री बाई टू, तो वन प्लस एक्स इसके अंदर वैल्यू में पुट करके, ऐसे थोड़ी देर पहले हमने किया, ठीक है, वीडियो में। हाँ, इतनी तो याददाश्त होनी चाहिए, नहीं तो आप फिर गजनी बन जाओगे, आमिर खान की मूवी देखी होगी ना। तो a बाई बी की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ भाई, रूट थ्री प्लस वन बाई टू डिवाइडेड बाय रूट थ्री माइनस वन बाई टू, तो टू से टू कैंसिल, ये आ गया रूट थ्री प्लस वन बाय रूट थ्री माइनस वन। अब क्या करना है, ये निकालना है भाई a प्लस बी और a माइनस बी, कर दो। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर इन दोनों का सम क्या है, ऊपर ऊपर आएगा दोनों का सम और नीचे आएगा दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का सम मैं यहीं पर कर रहा हूँ, वन से वन कैंसिल टू रूट थ्री, और दोनों का डिफरेंस हो जाएगा भाई दो, तो आंसर आ जाएगा जी रूट थ्री। तो दैट इज ऑप्शन डी, होपफुली ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, और क्लैरिटी हुई होगी कि आगे से ऐसे क्वेश्चन से निडरना है हमें, जो जितने भी कंसेप्ट है, जैसे मैंने कंपोनेंटो डिविडेंडो बताया और ये थोड़ी देर पहले ये बताया, बस उन्हीं को मर्ज कर करके एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहे हैं, एक और कंसेप्ट उठा लिया, बाकी अलग दो उठा लिया, बस यही काम कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। इफ ए इज इक्वल टू सेवन, बी इज इक्वल टू फाइव एंड सी इज इक्वल टू थ्री, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू व्हाट। देखो यहां पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये जो चीज है ना, ये इक्वल होती है हाफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अगर आपको ये याद नहीं है तो मतलब आपने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी याद नहीं किए हैं, क्योंकि मैं ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं बताता हूँ, सिर्फ काम के बताता हूँ याद करने, ठीक है। तो बस क्योंकि एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दिया ही इसीलिए है कि इस वे से जल्दी सोल्व होगा। तो देखो हाफ अंडर रूट ए और बी का डिफरेंस, ये मत देखना कि माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है, अगर a 5 होता b 7 होता तो अभी डिफरेंस देखते, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं ना, नेगेटिव का स्क्वायर कर लो या पॉजिटिव का स्क्वायर, तो स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, तो भाई दोनों का डिफरेंस दो, दो का स्क्वायर चार, समझ गए मेरी बात, दोनों का डिफरेंस दो, दो का स्क्वायर चार, b और c का डिफरेंस दो, दो का स्क्वायर चार, c और a का डिफरेंस चार, चार का स्क्वायर 16, तो 16, 24, 2 आंसर विल बी 12, दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है। बढ़ू फिर आगे, इफ स्क्वायर ब्रैकेट पी, मतलब अगर इन ब्रैकेट्स के अंदर पी को डाल रखा है तो उसका मतलब है ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू पी, कि बड़े से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर जो कि या तो p से छोटा है या उसके बराबर है, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखो पहले एक बार ये बात समझा दूं। अगर मैं बोलूं इसके अंदर है 3.5, ठीक है, तो आपने क्या बताना है, अगर इसके अंदर है 3.5, कि 3.5 से छोटा लेस या फिर इक्वल, इंटीजर होना चाहिए, लेकिन इंटीजर तो 3.5 इंटीजर तो नहीं है, तो इसके इक्वल तो हो नहीं सकता, तो 3.5 से छोटा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, छोटा, तो 3.5 यहां पर आएगा, तो 3.5 से छोटे इंटीजर तो कई हैं, पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3 इंटीजर हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट बड़े से बड़ा वो इंटीजर जो 3.5 से छोटा है, तो भाई 3, समझ गए ना, अगर 5.25 इसके अंदर हो तो 5.25 से छोटा सबसे बड़ा पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज 5। तो मैं यार स्टार्ट करता हूं इसको सोल्व करना, तो ये बताओ देन स्क्वायर ब्रैकेट -1/4, तो -1/4 ये नेगेटिव है, यहां से कुछ ना कुछ गायब है यार, अदरवाइज ये देखो गायब क्यों मैं बोल रहा हूं, और मैं ये भी बता दूंगा क्या गायब है अभी, कि -1/4 यहां पर है, तो -1/4 से छोटा इंटीजर, इससे छोटा इंटीजर उधर कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं है ना, एक भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो डेफिनेटली यहां पर एक 4 होगा, जैसे इस क्वेश्चन की बनावट से लग रहा है यहां पर एक 4 मिसिंग है, तो अब आप क्या करोगे, फोर माइनस वन बाई फोर होता है भाई 3, 3/4,
plus 4 minus 1 by 4, 3, 3 by 4. तो ये तो भाई सेम हो गया, तो कोई नहीं, हम यहाँ पर प्लस कर लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं खुद डिज़ाइन कर लेता हूँ, फिर ऑप्शन में मिले या ना मिले आपको समझना है जी कंसेप्ट, ठीक है। तो 4 1/4 प्लस ये, तो देखिए 4 1/4 मतलब 4.25 से छोटा पॉजिटिव इंटीजर जो कि सबसे बड़ा हो पॉसिबल, तो 4 ही होगा यार, इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर तो 4 ही है, 5 तो है नहीं। और यहाँ पर जी 3 और यहाँ पर 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 और 3 7 और 3 10, 10 विल बी द आंसर। तो हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा किया है चेंज, तो एक नया ऑप्शन भी बना दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, आपको ऐसी कोई एक्सप्रेशन लगानी है। देखिए यहाँ पर कई एक्सप्रेशन लगा, हम दो एक्सप्रेशन लगा सकते हैं, चलो कई तो नहीं, दो, एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। लेकिन आपने ये दोनों एक्सप्रेशन नहीं लगानी है, मैं दोनों भी लगा सकता हूँ, आप भी लगा सकते हो और फिर भी आंसर ठीक आएगा, लेकिन हमने कोई भी एक लगानी है। क्यों लगानी है, ताकि यार हमारी कैलकुलेशन कम हो जाए, बस कैलकुलेशन कम करनी पड़े। तो कोई भी एक कैसे लगाओगे, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, गलत क्या है इसमें। तो अब देखिए ऊपर वाले में ये बताओ, एक बार इस नजर से देखने की कोशिश करना, बुक इस नजर से मत देखा करो चीजों को, इस नजर से देखने की कोशिश करो कि इसमें से किस चीज की कमी है, इसके पास, इस बेचारे के पास किस चीज की कमी है यार, सिर्फ एक ए बी की कमी है, सिर्फ एक ए बी की, तो मतलब इसमें से सिर्फ एक ए बी घटाऊं, क्योंकि ये पॉजिटिव था, सॉरी, इसमें से सिर्फ एक ए बी घटाऊं तो ये आ जाएगा, चलो ठीक है। अब इसमें किस चीज की कमी है भाई, नीचे वाले के पास है ना, इससे कंपेयर कर रहा हूं मैं, इससे पॉजिटिव का 2ab तो है ही नहीं, ऊपर से एक नेगेटिव का ab और लेकर बैठा है, मतलब पॉजिटिव का 2ab तो गायब ही है, 2ab तो गायब है, एक नेगेटिव ab और गायब है। तो मतलब कि बात ये है कि 3ab से इससे 3ab कम है ये, एक तो इसका पॉजिटिव का 2ab घटाओ, ऊपर से एक नेगेटिव का ab दो, तब जाके वो बनता है, 3ab कम है। तो बस अब क्या है, अब भाई क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आपने करना क्या है, देखो अब अगर आपके मन में ये आ रहा है कि भाई a प्लस बी a माइनस बी दोनों को यूज नहीं किया, क्यों नहीं किया, देखो a प्लस बी निकालो और यहां पर पुट करो, बस क्वेश्चन सॉल्व। देखो a प्लस बी कैसे निकलेगा, इन दोनों का सम करना पड़ेगा, a और b का, वो हम कर सकते हैं मेंटली। मेंटली कैसे करोगे, देखो ये ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुए, अब मेरी बात पर आपको देना पड़ेगा ध्यान, क्योंकि मेरे को इतना लिखना यार पसंद नहीं है, तो आपके दिमाग को तेज करो। देखो ये ऊपर गया तो ये बन जाएगा भाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, है जी, सॉरी गलती हो गई भाई, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। यार देखो ए प्लस बी का, यहां पर जगह थोड़ी है, आंखों को भी तेज कर लो दिमाग के साथ, तो a प्लस बी, ए प्लस बी, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने इनको a और इसको b मान लिया है, ठीक है, और बीच में होगा प्लस। तो ये छोटी मोटी आइडेंटिटी ये आपको याद होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं है एल्जेब्रा में और ट्रिग्नोमेट्री में, जो जरूरत की है वो थोड़ी सी है। तो इन दोनों का सम होता है भाई, इन दोनों का सम होता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि बिन दोनों का, ये चीजें तो होनी चाहिए टिप्स पर, नींद में भी याद होनी चाहिए, नींद में कोई उठाकर पूछ ले कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सम क्या है, तो ऐसे नींद में निकले 2 into a square plus b square, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ी सी चीजें बता रहा हूँ याद करने के लिए। अब आगे देखो नीचे होगा इन दोनों का एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं डायरेक्टली लिखना पसंद करता हूँ, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, मैं लिख रहा हूँ, तो नीचे होगा जी 4, ऊपर होगा ट्वाइस इंटू 5 प्लस 1 6, ऊपर होगा जी 12, आंसर आ गया 3।
ठीक है, 5 × 6 × 12 डेफिनेटली 3, तो ए प्लस बी की वैल्यू आ गई 3, और ए इंटू बी की वैल्यू क्या है, ये काम एग्जामिनर ने आसान कर दिया, बिकॉज ए और बी, मैं रब करके दिखाता हूं आपको, है ए और बी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी जी 1, तो बस सिंपल सी बात है, ए और बी तो हमने कैलकुलेट ही नहीं करना, इसकी जगह 1, इसकी जगह 1, ठीक है, ए और बी मिल गया, ए और बी है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3, दैट इज 8/6, तो आंसर विल बी 4/3, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या पड़ा, एक बार मैं समराइज करना चाहूंगा कि जस्ट आपको ए प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में इसको एक्सपेंड करना पड़ा दोनों को, और मेंटली एक बार इन दोनों को ऐड करना पड़ा, एंड दैट्स इट। ये मेंटली किया जा सकता था, ये भी समराइज तो मेंटली किया जा सकता था। बढ़ू आगे, इफ एक्स वेरीज इनवर्सली एज वाई स्क्वायर माइनस 1, एक्स वेरी करता है इनवर्सली, मतलब ये बढ़ेगा तो एक्स घटेगा, ये घटेगा तो एक्स बढ़ेगा, चलो ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 24 व्हेन वाई इज इक्वल टू 10, तो भाई एक्स 24 है और वाई 10 है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 5, तो ये बोल रहे हैं कि भाई एक्स की वैल्यू क्या है अगर वाई की वैल्यू 5 हो, तो मेरे को ये बताओ एक्स को वाई की वैल्यू से लेना देना है, नहीं लेना देना है, एक्स को वाई की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं, मतलब डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है और इनवर्सली भी कोई लेना देना नहीं है, एक्स का लेना देना है वाई स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू से, वाई स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू में जो बदलाव आएगा उसके हिसाब से एक्स रिस्पोंड करता है, वाई को छोड़ो, भूल जाओ वाई को, ठीक है, वाई नहीं है भाई काम का, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, चलो इसको लिखे रहने देते हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं वाई स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू, उसके हिसाब से चेंज होता है एक्स, तो वाई की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 1 99, तो इसकी वैल्यू 99 है, ओके, वाई की वैल्यू है 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 1 24, एक्स को लेना देना है सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू से, ठीक है, ये इसने बता रखा है, और इसके हिसाब से इनवर्सली वेरी करता है, और मैंने क्या बताया था आपको, देखो सबसे पहले आप ये देखोगे कि जिस वैल्यूज के बारे में आपको बता रखा है, तो ये बताओ वो कितने गुना हुआ, मतलब कि हाउ मैनी टाइम्स, कितने गुना हुआ, तो कितने गुना हुआ ये कैसे पता चलता है, ये पता लगता है फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, ठीक है जी, तो फाइनल वैल्यू क्या है भाई, वाई स्क्वायर माइनस 1 की फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू का मतलब है बाद में क्या हो गई, इनिशियल मतलब पहले क्या थी, तो फाइनल वैल्यू है 24, इनिशियल है 99, तो जो वाई स्क्वायर माइनस 1 है वो इतने गुना हो गया, हाउ मेनी टाइम्स मतलब इतने गुना हो गया, तो वाई स्क्वायर माइनस 1 जितने भी गुना होगा एक्स उतने गुना नहीं होगा, उसका रेसिप्रोकल गुना होगा, उसके रेसिप्रोकल गुना क्यों होगा, क्योंकि इनवर्सली वेरी करता है, तो बस वाई स्क्वायर माइनस 1 इतने गुना हुआ, तो एक्स की पहली वैल्यू क्या है 24, एक्स इसका रेसिप्रोकल मतलब 99/24 गुना हो जाएगा, तो 24 24 आंसर विल बी 99, कई बार सचिन बेचारा यहां पर आउट होता था, 99 में है, सेंचुरी नहीं बनती थी, तो आंसर आ गया जी ऑप्शन 1, तो यार मेरी तरफ से इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा इस सीरीज से, आपके कई कंसेप्ट्स रिवाइज हुए होंगे, कुछ क्वेश्चंस की अप्रोच सुधरी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे डेफिनेटली लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है, और बाकी आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए मेरे साथ में जो वीडियोस हैं इनको देखते रहिएगा, और डिस्क्रिप्शन से ऐप को ज़रूर ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, बाय बाय, सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो।